हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग मैथ्स कुकीज विद मी सारिका। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, यानी अगर हमारे को क्या निकालना है, पूरी होल क्वांटिटी निकालनी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5% ऑफ इट इज 600, मतलब मुझे क्वांटिटी का, अब क्वांटिटी मुझे नहीं पता कि किसका 15% है, लेकिन मुझे उन्होंने आंसर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना था, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी थी कि ये कितना आएगा। तो यहां पर उल्टा दिया हुआ है, यहां हमें क्वांटिटी निकालनी है और आंसर मुझे पहले ही गिवन करा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इट इज मीन्स मुझे नहीं पता तो मैं क्या करूं, उसकी जगह मुझे कुछ ना कुछ एक एल्जेब्रिक और अल्फाबेट हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमको इट इज का मतलब अननोन क्वांटिटी है, वो मेरी नोन नहीं है और मुझे ये निकालना है। तो निकालने के लिए यहां मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इट इज का मतलब हो गया एक्स। अब ध्यान से देखेंगे, 5% मीन्स 5/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इट इज अननोन क्वांटिटी थी तो उसके लिए मैंने एक्स फाइंड आउट कर लिया अपॉन 1, और इज मीन्स इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। अभी क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब इक्वल टू के, इक्वल टू को जो नंबर है हमारे लेफ्ट साइड उनको राइट साइड लेके आते हैं, राइट साइड वाले लेफ्ट साइड लेके आते हैं, जो अननोन है उसको वही रखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अननोन में सिर्फ एक एक्स है, बाकी सब टर्म हम कहां लेके जाएंगे, राइट साइड लेके जाते हैं। तो यहां पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × x, दिस इज 5x/100 इक्वल्स टू 600। ठीक है, अब x को यही रखते हैं और इसको यहां लेके आते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 600 × 100/5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। कटिंग हो सकती है, कटिंग कर दीजिए, नहीं होती है मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां से मेरे पास हो रही है, 5 के टेबल से ये मेरे कट हो गया, 20 आ गया। तो मेरे पास जो मेरा बना है 600 × 20, और इसका आंसर निकलने वाला है 6 × 12 एंड पुट द 3 0s, 1 2 3। अगर आपके पास कोई यूनिट है तो वो यूनिट जरूर लगाएंगे, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यूनिट मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी है, तो मेरे पास जो ये बना है 12,000, दिस इज आवर आंसर। मतलब अगर आप 12,000 का 5% निकालते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 600। ओके, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, 12% ऑफ इट इज ₹1080, मीन्स यहां पर भी हमें होल क्वांटिटी गिवन नहीं है और उसकी जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। आप एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां मैं दोबारा से एक्स एज्यूम कर रही हूँ, इट इज मतलब अननोन क्वांटिटी है भाई। तो 12% का मतलब हो गया 12/100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई, इट इज मीन्स एक्स अपॉन 1, और किसके इक्वल है, ₹1080। अगेन ट्रांसपोजिंग करनी है, झट से कर देते हैं, 12 × x, दैट इज 12x/100 इक्वल्स टू ₹1080। ठीक है, अभी x की वैल्यू निकालनी है तो x को हम यहीं रखते हैं, बाकी का नंबर ट्रांसपोज करते हैं। तो मेरे पास पहले यहां पर 1080 था, तो और यहां से 100 जो है वो 1080 के पास चला जाएगा और डिवाइड में कौन आ जाएगा, 12। ठीक है, अभी कटिंग हो रही है, लोएस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म हो रहा है तो कर दीजिए, 12 के टेबल से 1080 चला जाएगा जी, 12 × 12, 12 9 and 0। तो मेरे पास जो निकल के आया है, 90 × 100, तो इसका आंसर निकलता है 9 × 9 एंड पुट द 3 0s आफ्टर द 9, 1 2 3। अगर यूनिट है तो यूनिट लगाए आंसर में, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दें। मेरे पास यूनिट रुपीज में है, हम रुपीज लगा के अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे और ये मेरा है बी पार्ट का आंसर, 9,000 रुपीज। अगर 9,000 रुपीज का 12% निकालें
तो कितना आंसर बनेगा? आंसर बनेगा 1080। जल्दी से चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट क्या कह रहा है? 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। तो इट इज फिर अगेन से वही है कि इट इज मीन्स अननोन क्वांटिटी। जल्दी से करेंगे, अब तक तो आदत हो गई कि 40% मीन्स 40/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और इट इज का मीन्स एक्स वाई जेड कुछ भी, इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 500 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है, अभी ट्रांसपोजिंग करनी है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 40। कटिंग कर दीजिए जल्दी से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से 100 कट गया 25 टाइम्स, ये मेरे पास आ गया 50 मल्टीप्लाई 25 आंसर मेरे पास आ गया 125 एंड पुट द जीरो जीरो, और इसकी यूनिट क्या थी? किलोमीटर थी, तो यहां लिख देंगे हम किलोमीटर। तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया 1250 किलोमीटर। अगर 1250 किलोमीटर का 40% निकाल के देखें तो मेरे आंसर में आना चाहिए 500, और ये मेरा आंसर निकल के आ चुका है। अच्छा, अब साथ में डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है? 70% ऑफ इट इज 40 मिनट। तो 40 मिनट का 70% निकालना है, सॉरी 40 मिनट कितने उसका बनेंगे, कितने कितना जो क्वांटिटी है उसका 14 आंसर आना चाहिए, 70% निकालना है। तो 70/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इट इज मीन्स एक्स अपॉन 1 इक्वल टू 40 मिनट्स। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 70। कटिंग कर दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 7 1 7 7 2 14, तो x इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2, और आंसर में आ गया 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट्स आएगा? नो, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया, हमारे पास बचा यहाँ पर 2 और 10, तो यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई 10, और आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स। अगर 20 मिनट्स मेरे पास हो और मैं उसका 70% निकालू तो मेरे पास आंसर आएगा 14 मिनट्स। ठीक है, ये है मेरे पास डी। अब तक तो पता चल गया होगा कि क्या करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देखेंगे और समझेंगे तो बिल्कुल 2-2 मिनट में आंसर होने वाले हैं। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स, 8% मीन्स 8/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इट इज मीन्स एक्स अपॉन 1 इक्वल्स टू 40 लीटर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8, 8 की टेबल से 40 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो मेरे पास क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, और आंसर में आ जाएगा 500 लीटर। ठीक है, अगर मेरे पास 500 लीटर होते हैं और मैं उसका 8% निकालूं तो मेरा आंसर कितना बनेगा, 40 लीटर। ठीक है,